ब्रॉट टू यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। इस वक्त हम मौजूद हैं वसंत कुंज इलाके में, वसंत कुंज के चर्च रेड पे। आप देख सकते हैं ये पूरन परजना पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में अभिभावक आए हैं, महिलाएं आए हैं, पुरुष आए हैं, ये सभी लोग स्कूल के बाहर यहाँ पे लगभग एक घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप यह है कि स्कूल प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के, बगैर किसी अल्टीमेटम के 60% का जो है वो फीस में इजाफा कर दिया गया है। 60% जो है वो फीसों में जो बढ़ोतरी की गई है, इस बात को लेकर के जो पेरेंट्स हैं काफ़ी नाराज़ हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं परविंदर सिंह, पीटीए मेंबर। सर आप ये बताइए कि किस बात को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? जो अभी स्कूल प्रशासन ने अचानक से एनुअल चार्जेस में इतना भयंकर हाइक कर दिया है, उसके लिए पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठित हुए। लगभग कितना परसेंट बढ़ाया गया? ये देखने वाली बात है। पिछले साल इन्होंने 12% बढ़ाया था और बैक टू बैक इन्होंने इस साल अप्रॉक्सीमेटली 62% तक बढ़ा दिया है एनुअल फी। जो पहले 11,000 रुपये थी अब वो 19,000 रुपये कर दिया है। तो इससे जिसके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं उसके लिए जेब पे इतना भारी बोझ पड़ रहा है। सारे प्राइवेट नौकरी और छोटे मोटे काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं, सरकार ने या फिर उनके लिए कोई ऐसा इनकम हाइक का कोई प्रावधान तो है नहीं। कोरोना कमाल की बात है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, महंगाई मुद्दा है, जो आम लोग हैं वो महंगाई के बोझ तले दबे हैं और ऐसे में स्कूल प्रशासन 60-70% अगर फीस हाइक करता है तो एक आम परिवार की क्या हालत होगी। वहीं दिल्ली सरकार ये दावा करती है वो दिल्ली में अच्छी और सच्ची और सस्ती शिक्षा दे रही है, लेकिन लगता है जैसे दिल्ली वाले ठगा महसूस कर रहे हैं। सर सरकार जिस तरह से बोलती है कि दिल्ली में जो है शिक्षा वो सस्ती है, अच्छी है, आपको लगता है ऐसा है कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ ये मिडिल क्लास के लोग मैक्सिमम जो यहाँ पे आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं जो अच्छे मतलब अपने बच्चों को शिक्षा भी देने जाते हैं, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली इतना प्रेशर डाला जाता है कि बच्चों की फीस बढ़ाई जाती है, कभी कुछ ऑलमोस्ट इतनी महंगाई है, हम लोग घर चलाएं यहाँ पे दें। मेजर आप ये देखो कि कितना इंपैक्ट आता है, मेरे खुद के 3 बच्चे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं भी कहीं से पेट लग रहा है कि हम दे रहे हैं। आप लोगों ने प्रिंसिपल सर से, क्योंकि वो तो हमारे कैमरे पे बोले नहीं कुछ, उन्होंने बात कही कुछ रियायत देंगे, कुछ करेंगे। अभी उन्होंने यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट तक से बात करने की बात कोशिश करी है, बट स्कूल मैनेजमेंट हम तो ऐसे पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमसे तक बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सर ये सब टाल मटोल है, बताइए गार्जियंस को बहलाने का, ये सब टाल मटोल है कि अभी भी आप 7 दिन पहले ये बोल दिए कि आप शनिवार को आइए, शनिवार को आप आए, अब उसके बाद कह दिए कि अब ये मैनेजमेंट के हाथ में फैसला है, अब मंडे को आएंगे। ये आप आए दिन गए दिन रूप प्रतिदिन ये कहेंगे कि अब कब आइए, और एक दिन ऐसा होगा कि जब हमें मजबूरन फीस भरनी पड़ेगी और पता चला है कि हम अपने घर के गहने सारे चीज़ें गिरवी रख रहे हैं, गिरवी रख के फीस भर रहे हैं, पता चला घर चला रहे हैं कि ये, ये, ये दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, जो भी प्रशासन है उसको सोचने की ज़रूरत है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि फीस जमा करने के लिए गहना गिरवी रखना पड़ता है, आखिर क्यों? सरकारें जो दावे करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आखिर ऐसा क्यों होता है जो पढ़ाई के नाम पर अभिभावक गिरवी रखने का सोचते हैं? हमारे साथ कुछ महिला पेरेंट्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम आप बताइए, महंगाई को जो ये फीस में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर के आप लोग किस तरह से? एक्चुअली हम लोग ओरिएंटेशन में आए थे तभी हमें फीस की बढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोला गया। लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे किए, हर बच्चों से 500-500 रुपया लिए। अगर 1200 बच्चे हैं आप सोचिए कितना फीस लिए। बच्चों को धूप में खड़ा करके एनुअल स्पोर्ट्स करें, 2-2 घंटे बच्चे धूप में खड़े हुए, रिफ्रेशमेंट के नाम पे एक फ्रूटी, एक केक और एक चिप्स का पैकेट जो कि खुद अलाउ नहीं करते, जंक फूड नहीं देना है वो खुद दिए, और पेरेंट्स को एक ग्लास पानी का मतलब कुछ नहीं पूछा गया, वो भी हम कंप्लेन नहीं किए। फीस हम दे रहे हर साल दे रहे, इवन 10 तारीख से पहले हमें मैसेज आ जाता है ग्रुप में कि पेनल्टी लगेगा, फीस भर दो। ठीक है, एक्टिविटी के लिए ले रहे, एक्टिविटी घर पे करने के लिए दे रहे, हम लोग घर पे सब कुछ करके देते हैं, और फीस बढ़ाने के लिए जब सडनली 60% बढ़ाए, कोई इंटीमेशन नहीं था। ओरिएंटेशन के बाद जब बच्चे स्कूल आने लगे उनके हाथ में दिए कि ये फीस बढ़ गई और ग्रुप में डिक्लेयर हुआ। हम लोग के साल भर का डिसाइड करके रखते हैं, हमारा अप्रैल में ये बजट है, क्योंकि आपको पता है एनुअल ईयर मार्च टू मार्च कैलकुलेट होता है, अप्रैल में हम इतना अपने बच्चे को देंगे, इतना हम ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कहा जाए तो स्कूल अपनी मनमानी कर रही है। जी 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 सर जी, पहले तो हमें बताना चाहिए था 7 दिन पहले कि ये फीस बढ़ाई जा रही है।
ठीक है, फिर हमें बोलना चाहिए था, कुछ बोले नहीं, डायरेक्टली हमारे ऊपर थोप दिए ये फीस। देखिए, किसी भी स्कूल में अगर फीस बढ़ाई जाती है तो उसके लिए प्रक्रिया होती है। राज्य सरकारें भी कहती हैं कि स्कूल में फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन जैसा अभिभावक आरोप लगा रहे हैं, एक्टिविटी के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, लेकिन उस तरह की सहूलियत पूर्ण प्रज्ञा स्कूल द्वारा नहीं दी जाती है। ये शर्म की बात है, इतना खर्च करते हैं और उसके बाद 60-70% तक फीस की बढ़ोतरी। मैम, आप एक हाउसवाइफ होंगी या कहीं काम कर रही होंगी, फीस बढ़ने के बाद कितना मुश्किल हो जाएगा आप? सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम भी एक छोटी हस्बैंड छोटी सी शॉप चलाते हैं, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजा जाता है, ना कि हर साल फीस। पिछली साल हमने एडमिशन कराया 16,000 में, उसमें 3 महीने की फ़ीस इंक्लूड थी, अब 21,225 रुपये कर दिए गए, उसमें 1 महीने की फ़ीस है। ऐसे कोई मनमानी चलेगी इनकी? 100 रुपये एक्टिविटी चार्जेस लगाए हैं, एक्टिविटी के लिए क्या बोलते हैं, घर से सामान भेजो और बच्चा थोड़ा नोटी हो। इस स्कूल की सबसे खास बात कि बच्चा थोड़ा नोटी हो या बच्चा थोड़ा वीक हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है हफ्ते में 2-3 दिन आप स्कूल भेजिए और बाकी आप घर कराइए। आरोप ये है कि पैसे तो पूरा लेते हैं, लेकिन बच्चा अगर नोटी हो तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भेदभाव। सर, ऐसा नहीं है कि ये संस्था का स्कूल है, यहाँ पर पहले बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, बहुत अच्छा, हर तरह से था, कोई फीस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं थी। अभी लॉकडाउन से के बाद इन्होंने फीस चार्जेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि नॉर्मल फैमिली फीस को देने में नहीं सकती। अभी मैंने देखा जब प्रिंसिपल सर बाहर आए थे, उन्होंने ये बोला कि यहाँ आकर भीड़ को इकट्ठी मत करो, नहीं तो तुम अपने बच्चों का भविष्य खराब करो। क्या हमारी यहाँ भीड़ करने से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है? यानी वो धमकी दे रहे हैं, ये भीड़ क्या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेगी? मैं तो ये कहती हूँ कि तुम पढ़ा रहे, हमारी भीड़ से बच्चों का भविष्य का क्या मतलब है? अगर बच्चों का भविष्य खराब करना तो हम इसे घर ही ना बिठा ले। ये लोग ऐसी नौकरी। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो बोलती है अच्छी और सस्ती शिक्षा देने के लिए। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर दुनिया में दिखाया जाता है, क्या लगता है कि वैसा है? कुछ भी नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर, स्कूल की फीस बढ़ी है, डेवलपमेंट चार्ज इसकी भी बढ़ी है, तो सर इतनी फीस हम कहाँ से करेंगे? सर, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसी फीस दे दें, उनको खिलाने के लिए कहाँ से लाएंगे हम उन बच्चों को? 74% उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखना हमें। हम फीस बोलेंगे हम दे देंगे, कर देंगे, हम अपनी रसोई का बजट कम कर दें, खाना कम कर दें। इन्हों हर साल फीस बढ़ाते हैं, इनकी मनमानी चलती रहेगी, क्या कभी तक चलेगी? हम कुछ बोलेंगे नहीं, चलती रहेगी। और धरना देंगे, कुछ होगा अगर फीस कम होगी तो फायदा है हमें, नहीं तो फिर क्या होगा? हर साल ऐसे धरने होते हैं। देखिए, ऐसा है कि महंगाई को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसे में 60-70% अगर फीस बढ़ता है तो जाहिर है महीने का जो बजट है घर का वो पूरा खराब हो जाएगा। सर बताइए कुछ। मेरा नाम राजेश सिंह गंडास है, मैं पीटीआई एसोसिएशन से एज ए वाइस चेयरमैन हूँ। पिछले हमारे 1.5 साल का कार्यकाल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से ये परवीन बालाजी डायरेक्टर हैं गुणा परिजना पब्लिक स्कूल की, जब से वो यहाँ आई हैं, उन्होंने अपनी मनमानी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, उसके अंदर मनमाने रूप से उन्होंने अननेसेसरी पैसा बढ़ाया, ज़बरदस्ती हैरेसमेंट करके सभी पेरेंट्स से, मतलब उन्होंने फोर्स किया कि आप ड्रेस लो, जब आप लोग मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर में जब आप एक्टिविटी कर पाओगे। उसके बाद ही उन्होंने अचानक रातों रात अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उन्होंने सीधा 62% उन्होंने बच्चों की फीस को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके एवज में हम लोग गए डायरेक्टर के पास में, परवीन बालाजी के पास में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पता है मैं कैसे पैसा कमा के दिखाऊंगी, मैं कमाऊंगी। उन्होंने हमें साफ साफ बात करने से मना कर दिया। विदाउट पीटीए मेंबर या पीटीए एसोसिएशन को लूप में लिए बिना उन्होंने अपनी सहमति से और सीधा उन्होंने बिल को सीधा फीस को बढ़ा दिया, और वो आज हमें बात करने से भी मना कर रही हैं। पिछले 1 महीने से वो लगातार हमें एज ए वाइस चेयरमैन राजेश गंडास और मेरी टीम को वो बात नहीं कर रही है, मीटिंग के लिए समय नहीं दे रही है। बार बार 3-4 बार हो भी चुका, उन्होंने डेट दी है, बट वो एकदम जैसे ही मीटिंग का टाइम आता है वो उसको क्लोज कर देती है, वो पोस्टपोन कर देती है आगे के लिए। आज इसीलिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। आप भी चाहेंगे कि जिस तरह से बच्चों के फीस बढ़ाई जा रही है, पिछले साल इनकी फीस थी 13,740 रुपये, इन्होंने इस साल इसमें 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट करके 21,800 कुछ रुपये की फीस कर दी गई है। 74% के आसपास इसमें फीस का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने 3 महीने की जो फीस हुआ करती थी इंक्लूड, वो खत्म करके 1 महीने की कर दी गई है, वो भी इन्होंने उसके अंदर वो करा दिया। धांधलीबाजी इतनी ज़्यादा है स्कूल के अंदर कि अपनी ही तरफ से ये बोलते हैं कि वहाँ से पिरामिड से जाके आप किताबें लें,
वहाँ से ना उनके ऊपर एक रुपये का डिस्काउंट मिलता, क्वालिटी इतनी ख़राब, हर साल इनकी बुक्स चेंज होती हैं, हर साल उसमें बुक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। वहीं इनका वो है कि जब जैसे ही अब बोलेंगे कि ये लाने के लिए क्या कहते हैं उसे ड्रेस लाने के लिए, तो उनका भी इनके लिए अलग से वो है, वहाँ से भी उनको एक ही जगह से मिलती है, वहाँ से भी मेहरोली से जाके लेनी पड़ती है, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो भी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। फिर ये स्कूल वाले दबाव बनाते हैं पेरेंट्स के ऊपर कि आप लेके क्यों नहीं आ रहे, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यानी कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं महंगाई से जो लोग हैं वो परेशान है, वो नहीं देना चाहते हैं इतने फीस की बढ़ोतरी। चलिए महज कुछ परसेंट की अगर बात की जाए तो एक समझ में आती है, आधे से ज़्यादा 60-70% फीस बढ़ता है। मैं इन लोगों से बात करता हूँ, मैं ये बताइए, अगर स्कूल कम नहीं करता है तो क्या आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे, मेरे भी दो बच्चे हैं सर, मेरे को भी फीस भरना बहुत भारी पड़ रहा है। अब हमने एवरेज स्कूल देख के हमने एडमिशन कराया था, हम मिडिल क्लास से हैं, अब इन्होंने दिन पे दिन ऐसे बढ़ा रहे हैं, कोरोना के टाइम से इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। डेवलपमेंट फीस कौन लेता है सर कोरोना में? हमारी सैलरी नहीं बढ़ी किसी की, और आप डेवलपमेंट फीस ले रहे हो, आईडी कार्ड के आप पैसे ले रहे हो, कौन सा स्कूल लेता है आईडी कार्ड के? आप ये बताइए, फीस नहीं अगर जो कम होता है तो क्या आप ये धरना प्रदर्शन लगातार? बिल्कुल साफ है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग महंगाई के मारे है, और जिस तरह से स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रही है, ये इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं इस बात को। लिहाजा देखना यह है कि महंगाई के दौर में क्या स्कूल मरम्मत करता है, जो इनके जो फीसों में बढ़ोतरी हुई है क्या उसे प्रशासन द्वारा कम किया जाता है या नहीं। बहरहाल इनका एक कहना यह है कि जब तक फीस की जो परसेंटेज है वो बड़ी है उसमें रियायत नहीं मिलेगी, ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।